हेलो, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, मेरा ये क्लास 10 चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोस्टैटिक का ऑलरेडी आपको 4 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे, आप जाके उन लेक्चर को देखे ऑनलाइन अकेडमी पे देख सकते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर को। देखिए बच्चों, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बच्चों? यहाँ लिखा है रीजन अराउंड चार्ज पार्टिकल और ऑब्जेक्ट विद व्हिच फोर्स वुड बी एक्सर्टेड ऑन अनदर चार्ज पार्टिकल और ऑब्जेक्ट। मुझे कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन है, क्या बच्चों? एक चार्ज पार्टिकल के अराउंड एक रीजन है जहां पे कोई और चार्ज आए और उस पे फोर्स लगे, उस रीजन को, उस स्पेस कहा जाता है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों देखें, सपोज करो जी हमारे पास एक चार्ज, क्या है? चार्ज पार्टिकल है। क्या बच्चों? चार्ज पार्टिकल है। तो इसके अराउंड क्या होगा बच्चों? इसके अराउंड बच्चों एक फील्ड होगा। इसके अराउंड क्या होगा बच्चों? एक फील्ड होगा जहां पे कोई और चार्ज आए और उस पर फोर्स लगे, उसे कहते हैं क्या बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखिए बच्चों, सपोज करें मेरे पास ये क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है। तो चार्ज पार्टिकल है, सपोज करो मुझे पॉजिटिव चार्ज है, मैं कोई और पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा हूँ बच्चों। मुझे ये चार्ज जिसको लेके आ रहा था, यहाँ पे आके इस चार्ज ने इस पर फोर्स लगाया। इसका मतलब बच्चों, इसका फील्ड यहाँ तक है। ये यहाँ तक क्या कर रहा है बच्चों? यहाँ तक इसका फील्ड है। क्यों बच्चों? इसलिए कि बच्चों ये क्या कर रहा है, ये चार्ज पार्टिकल इस पर फोर्स लगा रहा है। इस चार्ज पार्टिकल पर क्या लगा रहा है बच्चों? फोर्स लगा रहा है। इसलिए मैं कहूंगा भाई इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे बच्चों? यहाँ तक है। जिस तरफ मैं लेके आया, यहाँ फोर्स लगा इसने, इसने यहाँ पे इस पर फोर्स लगाया बच्चों, यहाँ पे फोर्स लग गया इस पर। तो बच्चों देखकर मैं देख रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक जो ये चार्ज पार्टिकल है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो बच्चों मैं इसे कैसे डिफाइन करूंगा, मैं इसे डेफिनेशन कैसे लिखूंगा? तो बच्चों ऑब्वियसली मैं कहूंगा भाई ये चार्ज पार्टिकल है, इसकी अराउंड अराउंड क्या होगा, एक रीजन होगा। क्या होगा बच्चों? यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज पार्टिकल का, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बच्चों मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा भाई इस चार्ज पार्टिकल के अराउंड क्या है, एक रीजन है, एक स्पेस है, और उस स्पेस में कोई और चार्ज आएगा और उस फोर्स एग्जर्ट होगा बच्चों। फोर्स कैसा एग्जर्ट होगा बच्चों? अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, वो डिपेंड करेगा चार्ज की नेचर पे। चार्ज कौन कौन से है? अगर दोनों सिमिलर चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, तो क्या करेंगे इस को बच्चों? रिपेल करेंगे। अगर बच्चों पॉजिटिव चार्ज अपोजिट है तो क्या करेंगे इस को? अट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए बच्चों, मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। देखिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जांपल जो है आप ऐसे समझे। देखिए बच्चों, सपोज करें आग है बच्चों, आप अपने हाथ को आग के करीब लेके जा रहे हो बच्चों। जैसे करीब लेके जाओगे बच्चों क्या होगा, आपका हाथ गर्म हो जाएगा। तो मुझे यहाँ आप लेके गए, आपका हाथ गर्म हो गया, फिर आप अपने हाथ को दूर करते हो। लेकिन मुझे यहाँ आपका हाथ गर्म हो गया, फिर आप इस तरफ लेके गए, यहाँ भी हाथ क्या हो गया आपका, गर्म हो गया बच्चों। इस तरफ लेके हो गए बच्चों, यहाँ भी बच्चों वही हो गया, गर्म हो गया हाथ बच्चों। इसका मतलब बच्चों, इस आग की रेडिएशन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन निकल रहे हैं। इस डायरेक्शन में आग की रेडिएशन निकल रहे हैं, इस डायरेक्शन में निकल रहे हैं, इस डायरेक्शन में निकल रहे हैं, इस डायरेक्शन निकल रहे हैं। तो बच्चों क्या हम कह सकते हैं भाई आग का क्या है, एक आग के अराउंड एक रीजन है, उस रीजन में आप अपने हाथ को लेके जाओगे, आपका हाथ क्या होगा, जलेगा या गर्म हो जाएगा। तो इसी तरह बच्चों चार्ज पार्टिकल क्या है, एक चार्ज पार्टिकल उसके अराउंड क्या होगा, एक रीजन होगा, रीजन होगा, उसी रीजन में कोई और चार्ज आएगा, उस चार्ज में लगेगा फोर्स, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको समझा गया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। लेकिन मुझे दोबारा आपको डेफिनेशन पढ़ के सुनाता हूँ क्या लिखा हुआ है। अ रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल और ऑब्जेक्ट विद इन व्हिच अ फोर्स वुड बी एक्सर्टेड ऑन अनदर चार्ज पार्टिकल और ऑब्जेक्ट। ये क्या है, हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन है या स्पेस है, किसी भी चार्ज पार्टिकल के अराउंड जब उस रीजन में कोई और चार्ज एंटर होगा तो उस पर फोर्स लगेगा बच्चों, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मुझे मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कैसे करते हैं, हमें कैसे मालूम हो तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखिए बच्चों, अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज लूँ, यहाँ मुझे ले रहा हूँ एक पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव ये है बच्चों, दूसरा पॉजिटिव चार्ज मेरे पास ये है बच्चों। तो देखिए बच्चों ये क्या करेंगे, इसके बच्चों कुछ ना कुछ फील्ड होगा यहाँ तक, ओके बच्चों। तो मुझे यहाँ पे क्या होगा, एक फील्ड होगा, इसके अराउंड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इस चार्ज पार्टिकल का भी जो क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो बच्चों ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? रिपेल करेंगे। लेकिन बच्चों यहाँ अगर मैं
चाहता हूँ भाई इस ये चार्ज पार्टिकल है इसका मुझे एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है वो मालूम करना है। तो बच्चों देखें फिर मैं क्या करूंगा, इस चार्ज को इस चार्ज करके लेके जाऊंगा तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का मुझे अंदाजा हो जाएगा, जहां ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे मैं कहूंगा वहां पे क्या है बच्चों इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है या इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि वहां पे रिपेल कर रहा है इसका मतलब इस रीजन तक क्या होगा इसका जो क्या होगा इसका फील्ड होगा। तो देखिए बच्चों लेकिन मुझे एग्जैक्टली इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम यहां से नहीं कर सकता हूँ बच्चों। फिर क्या करूंगा बच्चों, बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड को एग्जैक्टली मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक और चार्ज यूज करते हैं, इसका नाम है टेस्ट चार्ज। क्या करते हैं बच्चों टेस्ट चार्ज क्या है बच्चों, टेस्ट चार्ज एक ऐसा पॉजिटिव चार्ज है जिसका अपना कोई फील्ड नहीं है बच्चों, इसका अपना फील्ड क्या है नेग्लिजिबल है, तो उसे कहते हैं टेस्ट चार्ज। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम करने के लिए हम यूज करते हैं टेस्ट चार्ज। सपोज करो हमारे पास ये एक चार्ज है, यहाँ मेरे पास एक कोई टेस्ट चार्ज है उसके लेके आऊंगा बच्चों, जहाँ ये इसमें फोर्स लगे मुझे टेस्ट चार्ज का अपना कोई फील्ड नहीं है, तो जहां इसमें फोर्स लगे तो मैं कहूंगा भाई इस चार्ज का यहां तक क्या होगा फील्ड होगा, यहां तक फील्ड होगा, यहां तक फील्ड होगा। तो ये क्या हो गया टेस्ट चार्ज। जो क्यों यूज करते हैं टेस्ट चार्ज यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है उसको टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो जो मेरे ख्याल में आपको समझा गया होगा तो टेस्ट चार्ज क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर है तो चले मुझे समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। देखिए बच्चो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है एक क्या है बच्चों हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है बच्चों फिजिकल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें ये बताता है भाई इसका सपोज करें ये हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, इसके अराउंड क्या होगा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कोई मैं और चार्ज लेके आ रहा हूँ बच्चों, सपोज करें मैं चार्ज लेके आ रहा हूँ इसके करीब, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है ये जो चार्ज पार्टिकल है इस पर फोर्स लगा रहा है बच्चों। फोर्स लगा रहा है कितना फोर्स लगा रहा है इस पे कितनी अमाउंट का फोर्स लगा रहा है बच्चों, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए बच्चों दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये चार्ज पार्टिकल का यहाँ पे क्या होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई और चार्ज में लेके आऊँ उस ये चार्ज पार्टिकल उस पर कितना फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन लगा रहा है 20 न्यूटन 30 न्यूटन कितना फोर्स लगा रहा है बच्चों, मुझे उसे क्या कहेंगे उसे कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मुझे मेरे ख्याल में आप समझा गया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब ये बच्चों किसी चार्ज पार्टिकल पे कितने अमाउंट का फोर्स ये चार्ज लगा रहा है इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बच्चों देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैं आपको फार्मूला समझाता हूँ बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फार्मूला बच्चों हमारे पास है E = F/Q। हमारे पास क्या है Q₀ लिखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों ये हमारे पास फार्मूला है किसका बच्चों, ये फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बच्चों हमारे पास क्या है फार्मूला है। तो बच्चों इस फार्मूले को याद रखें E = F/Q। एफ बच्चों हमारे पास फोर्स है, क्यू हमारे पास टेस्ट चार्ज है, यहां तक क्लियर है। तो बच्चों इसका यूनिट निकालना चाहते हो आप यूनिट निकाल सकते हो E = बच्चों हमारे पास क्या होगा बच्चों फोर्स का यूनिट आपको पता है क्या होगा बच्चों, आप क्लास 9 में पढ़ चुके हो न्यूटन। अच्छा हमारे पास चार्ज का यूनिट क्या होगा, चार्ज मैंने आपको समझाया चार्ज यूनिट कूलम। तो बच्चों हमारे पास Newton/Coulomb क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होगा। तो मेरे ख्याल में आपको यहां तक क्लियर है। देखिए बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और भी फार्मूला है पॉइंट चार्ज के लिए, आप उसे भी याद रखें। देखिए मुझे मैं आपको लिखवाता हूँ। देखिए मुझे हमारे पास क्या है E = F/Q₀। तो बच्चों आपने कूलम से लाभ पढ़ा हुआ है, वहां आपने एफ क्या पढ़ा, तो जो आपने वहां एफ पढ़ा होगा K₁Q₂R² पढ़ा होगा कूलम से लाभ, जो आपने ये पढ़ा होगा। तो जो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं F = मैं लिखूं भाई K₀Q₀R², ओके बच्चों हमारे पास ये हो गया इसका फॉर्मूला। तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ जहां पे फोर्स है बच्चों यहाँ के हमारे पास फोर्स है, उस फोर्स की जगह पे सारा वैल्यू रख रहा हूँ, जहां फोर्स है उसकी जगह मैं क्या कर रहा हूँ K₀Q₀R² पुट कर रहा हूँ। क्या होगा बच्चों हमारे पास ये होगा बच्चों हमारे पास K₀Q₀R² और मुझे नीचे क्या लिखा हुआ यहाँ पे Q₀ सेम रहेगा, तो बच्चों ये Q₀ से कैंसिल होगा मुझे हमारे पास फार्मूला क्या आएगा। देखिए बच्चों हमारे फार्मूला में यहाँ लिख रहा हूँ
सर मेरे को यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, क्या आ रहा है, E इज इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर। तो बच्चों एक फार्मूला ये भी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो बच्चों आप ये फार्मूला याद रखें और इसको भी याद रखें। मुझे कभी कभार पूछा जाता है भाई हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, तो जो आपको याद होना चाहिए हमारे पास क्या होगा, E इज इक्वल टू के क्यू अपन आर स्क्वायर, या बच्चों बेसिक फार्मूला हमारे पास E इज इक्वल टू एफ अपन क्यू नॉट। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको ये आंसर क्लियर हुआ होगा। एक मिनट मैं देखता हूँ आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड नहीं। जी हाँ बच्चों एक मिनट में यहाँ एक्सप्लेन करूँ, यहाँ आपको बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा। देखिए बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, E इज इक्वल टू मैंने क्या किया था, E इज इक्वल टू आपको पता है एफ अपान क्या है बच्चों, क्यू नॉट है, E इज इक्वल क्या है एफ अपान क्यू नॉट है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एफ का वैल्यू क्या, एफ का वैल्यू क्या है बच्चों, के क्यू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर है। जहाँ पे एफ है वहां पे जो ये वैल्यू आप पुट करें, तो अगर ये वैल्यू पुट करेंगे हमें क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू के क्यू 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 नॉट अपान क्या होगा बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पर आर स्क्वायर भी है तो आर स्क्वायर रखते हैं, और क्या रखेंगे मुझे क्यू नॉट रखेंगे, मुझे क्यू नॉट से कैंसिल, तो E इज इक्वल क्या होगा बच्चों, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चों ये फार्मूला किसका है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है, और ये फार्मूला भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है। आप इन फार्मूलाज को याद रखें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ए इज इक्वल टू अपॉन क्यू नॉट, दूसरा फार्मूला क्या बच्चों, ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो होंगे। चलो आगे चलते हैं, देखिए मुझे आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं। देखिए मुझे इससे पहले मैं आपको समझाऊँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है बच्चों, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो आप क्लास 9th में आपने स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी पढ़ा हुआ है, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों। इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा बच्चों, जिस तरफ बच्चों हमारे पास फोर्स का डायरेक्शन होगा, जिस तरफ फोर्स का डायरेक्शन होगा बच्चों उसी तरफ हमारे पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन। तो जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ पॉइंट बना के, भाई हमारे पास क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो याद रखें क्या है बच्चों, वेक्टर है क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो मेरे ख्याल में आपको यहां तक सारी चीजें क्लियर हुआ होंगी। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, समझे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होते हैं। देखिए बच्चों मैं यहाँ इरेज कर रहा हूँ बच्चों, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि भाई हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं। तो जो मैं आपको यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस समझा रहा हूँ बच्चों, बच्चों क्या है हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या बच्चों, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, एक मिनट बच्चों मैं देखूं, जी हाँ बच्चों क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। देखिए मुझे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है बच्चों, बच्चों हमारे पास क्या है, माइकल फ्राडे ने एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट दिया था। माइकल फ्राडे बच्चों उसने कहा कि भाई हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, क्या हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है, उस चार्ज पार्टिकल के अराउंड क्या है एक फील्ड होगा, कोई और चार्ज है उसमें फोर्स लग रहा है बच्चों, फोर्स कैसे लग रहा है बच्चों। उसने कहा भाई ये चार्ज पार्टिकल है, इसकी जो इसके अराउंड क्या होंगे बच्चों, लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगे, इस तरफ निकलेंगे, इस तरफ निकलेंगे, इस तरफ निकलेंगे, इस तरफ डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगे बच्चों। इलेक्ट्रिक उनको कहा जाता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, मतलब बच्चों क्या हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है उसके अराउंड क्या होंगे बच्चों, लाइन ऑफ फोर्स निकलेंगे बच्चों। लेकिन मुझे सपोज करें, जो मैंने आपको अभी समझाया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड है, मुझे ये हमारे पास क्या है चार्ज पार्टिकल है, ये दूसरा चार्ज पार्टिकल है, ये क्या करेगा, ये बच्चों चार्ज पार्टिकल इस पर फोर्स लगाएगा, फोर्स कैसे लगा रहा है, दूर से फोर्स कैसे लगा रहा है बच्चों, बच्चों ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक इस पर फोर्स कैसे लगा रहा है। बच्चों माइकल फैराडे ने कहा भाई इस चार्ज पार्टिकल की जो लाइंस होते हैं जो अब जो जाहिर नहीं होते, ओके बच्चों जो इमेजिनरी है, तो जो उसने कहा भाई इसकी अराउंड क्या है इलेक्ट्रिक लाइंस होंगे, इसके इलेक्ट्रिक लाइंस यहाँ तक भी होंगे, यहाँ तक भी होंगे, यहाँ तक भी होंगे, डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे। अगर ये चार्ज पार्टिकल ये ऐसे आ रहा है, ऐसे करीब आ रहा है, तो अगर यहाँ पे क्या होगा, इस चार्ज पार्टिकल का लाइंस ऑफ फोर्स होंगे तो वो उस क्या करेंगे उस पर फोर्स लगाएंगे। तो बच्चों देखें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, किसी भी चार्ज पार्टिकल के अराउंड कुछ इमेजिनरी लाइंस होते हैं जिसकी वजह से फोर्स लगता है बच्चों, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। देखिए बच्चों मैं आपको
बताता हूँ कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज उसका जो इलेक्ट्रिक लाइन का फोर्स होते हैं हमेशा आउटवर्ड होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? आउटवर्ड होते हैं, याद रखना बच्चों। कैसे? हमारे पास ये क्या है, ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसकी लाइन का फोर्स ऐसे निकलते हैं बच्चों, ऐसे निकलते हैं बच्चों, आउटवर्ड निकलते हैं, याद रखना बच्चों। कभी कभी पूछा जाता है भाई हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, तो जो आपका होगा रेडियली आउटवर्ड। रेडियल से क्या मतलब? रेडियल से मतलब चारों तरफ उसकी जो है लाइन का फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है बच्चों, रेडियली। और बच्चों हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रिक लाइन का फोर्स है, आप देख रहे हो रेडियली आउटवर्ड है। तो हमारे पास अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, फिर क्या होगा बच्चों? नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास रेडियली इनवर्ड है। तो बच्चों ऐसे ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये हमारे पास है नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइन का फोर्स, और रेडियल हमेशा क्या होगा बच्चों, इनवर्ड होगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आउटवर्ड हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, इनवर्ड हो गया। देखिए बच्चों हमारे पास अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज हो, दूसरा पॉजिटिव चार्ज हो, इसमें बच्चों क्या होगा, इसकी लाइन का फोर्स होगी बच्चों, इसकी लाइन का फोर्स क्या होगा, आउटवर्ड होगी, इसकी लाइन का फोर्स आउटवर्ड होगी। लेकिन बच्चों आपको पता है ये चीज रिपेल करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, रिपेल करेंगे। इसका मतलब बच्चों इसकी लाइन का फोर्स कुछ ऐसे जाएंगे, इसकी लाइन का फोर्स कुछ ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे, तो इसकी कुछ ऐसे चले जाएंगे लाइन का फोर्स, ऐसे चले जाएंगे, तो ऐसे चले जाएंगे बच्चों, ऐसे चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, अगर सेम चार्जेस होंगे बच्चों, सपोज करो हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, इसमें इसमें कुछ लाइन का फोर्स निकलेंगे, इसमें कुछ लाइन का फोर्स निकलेंगे, तो क्या करेंगे बच्चों, ये अट्रैक्ट नहीं कर रहे, ये रिपेल कर रहे हैं बच्चों। जिसकी लाइन का फोर्स ऐसे चले जाएंगे बच्चों, इसकी लाइन का फोर्स ऐसे चले जाएंगे, इसकी लाइन का फोर्स ऐसे चले जाएंगे, एक दूसरे दूर भागेंगे, क्योंकि फोर्स लगा रहे हैं अपोजिट, क्या लगा रहे हैं बच्चों, रिपेल करेंगे इस तरह को, तो उसकी लाइन का फोर्स ऐसे दूर चले जाएंगे। तो अगर हमारे पास एक वो पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज, फिर क्या करेंगे बच्चों, आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या करता है बच्चों, अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब बच्चों इसकी लाइन का फोर्स ऐसे मिल जाएंगे, ऐसे बच्चों, जो अगर सेम चार्ज है उसकी लाइन का फोर्स कैसे होंगे, ऐसे बच्चों होंगे, दूर चले जाएंगे। अगर हमारे पास अपोजिट चार्ज हो, दोनों प्लस, एक प्लस हो एक माइनस हो, तो फिर क्या करेंगे, फिर बच्चों अट्रैक्ट करेंगे, ऐसे उसकी लाइन मिल जाएंगे। तो उसमें यहाँ आपको ये बताऊँ कि हमारे पास क्या है बच्चों, एक पॉजिटिव चार्ज है, हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें क्या होंगे लाइन ऑफ फोर्स बच्चों, इसमें जो लाइन ऑफ फोर्स ऐसे जाएंगे बच्चों, आपको पता है ऐसे चले जाएंगे मुझे लाइन ऑफ फोर्स बच्चों, यहाँ पे ऐसे लाइन ऑफ फोर्स अटैच, क्योंकि मुझे आपस में अटैच कर रहे हैं, तो मुझे इन लाइन ऑफ फोर्स को ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे बच्चों, इन लाइन ऑफ फोर्स को हम ऐसे लिखते हैं बच्चों। बच्चों आपको पता है चार्ज पार्टिकल की चारों तरफ लाइन ऑफ फोर्स निकलते हैं, तो बच्चों यहाँ वो जो नेगेटिव चार्ज आपको पता है उसे फील्ड क्या है, इनवर्ड। तो जो इसकी हमारे पास यहाँ मैंने इनवर्ड शो किया हुआ है, तो आप देख रहे हैं ये हमारे पास जो है, और जो ये जो पैटर्न है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का, ये बच्चों शो कर रहा है अट्रैक्शन को, क्या शो कर रहा है बच्चों, अट्रैक्शन को। याद रखो मुझे अगर ये पैटर्न दिया हो भाई, ये किस चीज को शो कर रहा है, अट्रैक्शन को या रिपल्शन को, जो आपको याद होना चाहिए कि हमारे पास अट्रैक्शन शो कर रहा है। और मुझे ये हमारे पास क्या शो कर रहा है, आप देख रहे हैं बच्चों हमारे पास ये शो करेगा बच्चों किसको, रिपल्शन को, क्योंकि मुझे एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, क्या कर रहा है मुझे एक को रिपेल कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या शो करेगा, रिपल्शन शो करेगा। तो बच्चों उम्मीद है कि आज ये सारी चीज आपको समझ आए होंगे। बच्चों उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक लाइन का फोर्स समझ आ गया होगा बच्चों, टॉपिक आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। तो चले बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो चले बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके बच्चों।